अरे ये अब आखिरी बोरी भी आ गई अनाज की, चलो इसको भी लेके फटफट ट्रक पे लोड करा देते हैं। अरे शिनचैन बस बैठा ही रहेगा क्या दिन भर, चलिए बोरी उठा के ऊपर रख। अरे रख रहा हूँ ना, मैं भी जितना ही काम कर रहा हूँ जितना तू कर रहा है। अरे हाँ यार बहुत मेहनत का काम है ये सब, खैर कुछ पढ़ाई लिखाई की नहीं तो यही सब करना पड़ेगा। खैर हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, हमने उसको बोला था कि हम 3 घंटे में आ जाएंगे लेकिन अभी 5 घंटे हो चुके हैं, तो हम लोग को अभी निकलना है और उसमें हम लोग को रास्ते में भी पहुंचने में टाइम लगेगा। अरे तेरे कारण ही तो लेट हुए हैं, बहुत धीरे धीरे काम जो करता है। अबे ज्यादा बोल रहा है तू, खैर अभी चलते हैं सीधा, इस अनाज को हमें एक होटल के शोरूम के पास पहुंचाना है, मतलब लोगों के लिए पहुंचाना है इस खाने को। अरे इस ट्रक को क्या हो जाता है। अरे तेरे को कितने बार बोला है कि दूसरी ट्रक खरीद ले, साले पैसे भी तो होने चाहिए। अरे ये क्या हो रहा है, अरे अरे रुक जा रुक जा, हो गया सत्यानाश। ट्रक को तो कुछ हुआ नहीं, एक बार उतर के देख लेते हैं। खैर ये जिसकी भी रीलिंग है अब वो जाने, क्योंकि शायद वो यहाँ पे है नहीं। खैर मेरे को यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा वरना रीलिंग के भी पैसे देने लग जाएंगे। अरे जल्दी भगा वरना जितना रीलिंग का पैसा आया उतना हमारा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कट जाएगा। तू बहुत बोल रहे हैं। हाँ भाई मेहनत का काम है। खैर हम लोग तो कर रहे हैं मेहनत और तुम लोग भी करो मेहनत, जब तक हम इसे पहुँचाते हैं तुम लोग बताओ कमेंट में। हाँ हाँ बताओ कमेंट में। क्या बताओ ये तो पूछ ले। क्या बताओ कि मेरे मैं ज्यादा अच्छा लगता हूँ तुम लोग को या शिनचैन? शिनचैन वाले ब्लू हट कमेंट करो और मेरे वाले येलो कमेंट करो, देखते हैं शिनचैन किसके फैन ज्यादा है। अबे तू गाड़ी तो ढंग से चला। अबे ये गाड़ी को क्या हो रहा है, अरे 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 पूरा आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है गाड़ी, अब मेरे बस की नहीं है, अब हम लोग मर गए। भगवान आ रहे हैं हम तुम्हारे पास, अगर हमने कोई भी पाप किया हो तो माफ कर दे। अबे गधे अच्छे से चल। अरे गधे कैसे चला रहा है। अरे मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है यार, मैं ट्राई कर रहा हूँ गाड़ी रुक ही नहीं रही है। तो गाड़ी फाइनली थोड़ी सी स्लो हुई एंड पहाड़ से गिरे यार हम लोग। इस ट्रक का भाई अच्छा बिल्ड है, टाटा का ट्रक है शायद। अरे ये पलट गए, हट बे। अब मेरे को क्या करते हैं, कॉल लगाना पड़ेगा। हो गया सारा सत्यानाश, अनाज भी सारा तबाह हो गया होगा, गाड़ी तो गई। कह रहा भाई अब क्या कर सकते हैं। तो मैंने पिकअप वाले भैया को बुला लिया है, बोला पिकअप वाले भैया ये वाली ट्रक निकल जाएगी। अरे क्यों नहीं निकलेगी जी, सारी गाड़ी निकल जाएगी, अब चलिए। तो हाँ चलिए चलिए, हमारा काम ही यही है। अरे हाँ एक काम करता हूँ, पहले अपनी ट्रक को निकाल लेता हूँ, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। मैं तो गारंटी दे सकता हूँ जितना ट्रक का डैमेज हुआ होगा और अनाज का डैमेज अलग हो गया। तो हमने ट्रक को तो निकाल लिया। ए शिनचैन एक काम कर, ट्रक पे बैठ जा। हाँ हाँ ठीक है। तो शिनचैन ट्रक पे बैठ गया। मैं सोच रहा हूँ कि पहले मुझे थोड़ा सा नुकसान बचाना है, तो मेरे को ये जो अनाज है ना होटल तक पहुँचाना होगा, वरना वो मुझे पैसा नहीं देने वाला और मेरा वैसे भी नुकसान हो चुका है, तो अनाज के कारण और नुकसान ना हो जाए। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, इस लिफ्ट से ही, फोर्क लिफ्ट से जो भी कहते हैं, ट्रक को पहुँचा देता हूँ। तो ट्रक को मैं लेकर आ गया हूँ होटल बंदे के पास एंड होटल वाला बंदा कह रहा है कि भाई तू इतना ज़्यादा लेट आया है, अनपढ़ गवार कहीं के कहाँ कहाँ से चले आते हैं गाँव से उठकर। भाई तो गाँव से आते हैं तो मेहनत तो करते हैं ना, लेकिन वो कह रहा है कि भाई तूने सारा अनाज भी खराब कर दिया, अनाज भीग भी गया होगा ले, और कह रहा है कि अब मैं तुझे आधा दाम दूंगा। तो खैर अब मेरी उसकी भी गलती नहीं है, हम लोग ने ही ये सारा काम जो है वो खराब किया है, तो हम लोग डिजर्व करते हैं यार। मेरे दिन भी बहुत ज़्यादा खराब जा रहे हैं कुछ 3-4 दिनों से यार, बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, बहुत से नुकसान पे नुकसान हो जा रहा है। शायद ये अंकल के भी दिन ऐसे ही जा रहे हैं तभी अब यहाँ पे लेटे हुए हैं। अरे अंकल क्या हो गया, कोई मदद वदद चाहिए क्या? अरे बेटे तूने पूछ लिया, वही बहुत बड़ी बात है। कर बेटे ये जो पीछे बिल्डिंग देख रहा है, हाँ हाँ ये बिल्डिंग मेरी है। ये बिल्डिंग आपकी है, तो आप बाहर के बैठे हो, आप अंदर जाओ ना। अरे बेटे मेरा कोई वारिस नहीं है और मैं चाहता हूँ ये होटल कोई संभाले। अच्छा हाँ, और तूने मेरी मदद की तो मैं चाहता हूँ ये होटल तू संभाल। मैं संभालूँ इतना बड़ा होटल? हाँ तू संभाल, बस तू थोड़ा 50,000 दे देता तो अभी मदद हो जाती, बाकी मैं पेपर तेरे नाम करवा देता हूँ, तू भला लग रहा है। अरे वाह, अरे 2 मिनट रुको यार अंकल, अभी आपके अकाउंट में 50,000 डाल लगता हूँ, मेरे अकाउंट में बस इतने ही पैसे बचे हैं क्या। अरे बेटे मुबारक हो, तूने ये होटल ले लिया, मैं किसी को ढूंढ ही रहा था कि कौन मददगार अच्छा आदमी मिल जाए, अब तेरा हुआ होटल। अरे वाह, तो चलो अब होटल टूर कर लेते हैं। अरे बिल्कुल आ जाओ।
तो मेरी तो किस्मत पता नहीं अचानक से कैसे चमक गई, मुझे इतना अच्छा होटल सिर्फ 50,000 रुपए में मिल गया। देख रहे हो भाई, यहाँ पे टॉप पे पार्किंग है क्या अंकल? अरे हाँ, ये पूरा हमने VIP पार्किंग बनाया है और नीचे भी पार्किंग है, गैराज में भी पार्किंग है। अरे वाह, तो ये टॉप साइड है होटल का? हाँ ये बस थोड़ा सा काम चल रहा है। अब आप मेरे पे छोड़ दो, मैं और स्विमिंग पूल पे इस होटल के अंदर। अरे होटल है बेचे, एक नंबर, हर चीज है इसके अंदर, जो जो ढूंढ रहा है। तो आपने इसे बंद क्यों कर रखा है? अरे बेटे मेरी उम्र हो गई है, मैं इसे नहीं संभाल सकता और मुझे कोई वारिस चाहिए था और मैं थोड़ा सा रिटायर होने वाला हूँ क्योंकि होटल का धंधा भी नहीं चल रहा। तो अंकल आपका ये होटल आज से मेरा, और जितनी कमाई होगी ना मैं आपको उसका परसेंटेज भी आपके घर भिजवा दूंगा। अरे बहुत बढ़िया, लेकिन बेटे अभी तू ये होटल रख, मैं आगे रहूँगा तेरे से मिलने। तो अंकल तो चले गए और मैंने शिनचैन को बोल दिया है कि शिनचैन जा तू इन अंकल को थोड़ा सा बाहर तक तो छोड़ के आ जा। खैर पता नहीं क्या हुई मेरी किस्मत, आज अचानक से इतनी ज़्यादा चल गई। खैर अभी कल से इस होटल में काम शुरू करते हैं। तो सुबह सुबह मैं अपनी सबसे अच्छी शर्ट पहन के आ गया हूँ जो कि मैंने 5 साल पहले दिवाली पे ली थी, और मैंने शिनचैन को कुछ लोगों को बुलाने के लिए बोला था और शायद शिनचैन ने उन लोगों को यहाँ पे बुला लिया होगा। और हाँ, बहुत सारे लोग खड़े हैं सामने। अरे वाह शिनचैन, तू तो काम का आदमी निकला। अरे समझाए क्या, अपनी तो किस्मत चमक गई। इनके सामने मत बोल। खैर यहाँ पे मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि कौन सा आदमी क्या काम है। अभी हम इस होटल का पूरा हुलिया चेंज करने वाले हैं, और इस हुलिया चेंज करने के लिए पैसे पता नहीं शिनचैन के पास कहाँ से आया, उससे तो मैं बाद में पूछता हूँ। खैर ये सारे जो हैं वो होटल में जा सारी मरम्मत करेंगे एंड सफाई करेंगे। राइट साइड वाले ये जोकर वाले भैया लोगों को हंसाने के लिए स्पेशली हमने मंगाए हैं, क्योंकि ये इनके पास भी कोई काम नहीं था, तो इसी कारण से ये हमारे पास बहुत सस्ते में हमें मिल गए। एंड साथ में साथ हम लोग को यहाँ पे मैनेजर मिल रहे हैं जो कि होटल का काउंटर संभालते हुए दिखेंगे। और ये है सारे गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स। तो तुम लोग को अपना काम पता है ना कि क्या किसको काम करना? अरे तू क्यों चिंता करता है, जो करना है वो शिनचैन करे। अरे भाई शिनचैन, अपन दोनों पार्टनर है इस होटल के अंदर। खैर तुम सबको सारा सा काम जो है शिनचैन अभी समझा देगा, या शायद उसने समझा दिया होगा। तो अभी से काम पे लग जाओ, हमें इस होटल को रेडी करना है लोगों के रहने लायक। तो होटल तो सब रेडी हो चुका है, और आज होटल को खोले हुए 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, क्या बात है शिनचैन? अरे ये होटल बहुत दिनों से बंद पड़ा है ना, तो लोग सोचते हैं कि होटल खुलता ही नहीं है। हम लोग को कुछ तरकीब लगानी पड़ेगी। एक काम करते हैं, किसी टूरिस्ट बस को देखते हैं, यहाँ से बहुत टूरिस्ट बस जाती हैं। और एक काम करते हैं, मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? तू बस एक गाड़ी का इंतजाम कर दे। अच्छा गाड़ी, अच्छा पीछे पड़ी है? हाँ ये वाली गाड़ी, एक नंबर, कहाँ से मिली शिनचैन? अरे ये गैराज में पड़ी थी, पता नहीं किसकी है, बहुत दिनों से देख रहा हूँ। वाह भाई, तो किसी की भी गाड़ी ले आया। खैर सामने जो बस आ रही है ना, वो हमारा टारगेट होने वाला है। अरे तो करने क्या वाला है वो तो बता। अभी तो देखते जा। ये अरे क्या कर रहा है फ्लैंगिंग? अरे भाई कैसे बस चला रहा है, तेरे को बस चलानी नहीं आती क्या? चल बाहर निकल बस से, जल्दी बाहर आ, चल बाहर आ, दरवाजा खोल, चल बाहर निकल, बाहर निकल, चल। बस चलानी आती नहीं है, गवार कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ये बस को उतरो, चाबी निकाली। हाँ ओए बस चलानी नहीं आती क्या? खैर हमारी तो बातचीत हो चुकी है भाई, मेरी गलती थी। एक आप काम करो, ये जो पीछे वाला होटल है ना, आप वहाँ पे रुक सकते हो और अपने लोगों को भी लेकर आ जाओ, और आप बस लगा लो वहाँ पे, मैं आपकी बस रिपेयर करवा दूंगा। खैर ये बस ड्राइवर तो पता है क्या था, ये बस ड्राइवर जा रहा था टूरिस्टों को लेने, अभी यहाँ पे बस ठीक करवाएगा और बोलता है कि भाई आप बहुत अच्छे आदमी हो, मैं अपने टूरिस्ट सारे यहीं लेकर आऊँगा। और यही काम हम 3-4 दिन तक अभी करने वाले हैं, जिससे हमारा होटल का सेल्फ प्रमोशन हो रहा है बेसिकली, और BMW गाड़ी के बदले ये आम बात है। खैर उसने बस भी लगा दिया। खैर हमारा प्लान तो चल गया शिनचैन। हाँ अब यही करेंगे डेली। अब तो हम अमीर हो जाएंगे। तो होटल खोले हुए आज पूरे 4 साल हो चुके हैं, और ये रहा बैंक, मेरे को तो आना था बैंक। और शिनचैन क्या हाल है तेरे? अरे मैं बढ़िया भाई, हम लोग ने बहुत मेहनत की और अब इतना आगे आ गए। लेकिन तुझे बैंक में क्या काम है? एक सेकंड, ओ भाई साहब, भाई साहब 10 करोड़ डलवाने हैं। क्या क्या 10 करोड़? हाँ हाँ हो जाएंगे क्या? सर अभी तो लाइट नहीं है और लंच टाइम है। अबे SBI, चलो यार ये बकवास बैंक है। खैर मुझे थोड़े 10 करोड़ ट्रांसफर करवाने थे और कोई काम नहीं है। खैर इस बंदे ने सुन तो नहीं लिया, क्रिमिनल लग रहा है। आ जाओ शिनचैन गाड़ी में आ। अरे तेरे पे पैसे कहाँ से आ रहे हैं इतने, मेरे को भी तो दे। अबे शिनचैन तेरा खुद बैंक बैलेंस करोड़ों में है और तू मेरे से पैसे मांग रहा है। खैर
चार सालों में क्या क्या हुआ मैं तुम लोग को सब शॉर्ट में बताता हूँ। हम लोग ने होटल का वही सेम काम जारी रखा, उसके बाद से कस्टमर जो है वो आना शुरू हो गए। हमने होटल में इम्प्रूवमेंट पे इम्प्रूवमेंट की एंड बड़े बड़े क्लाइंट्स वहाँ पे आना शुरू हो गए। बिजनेस टिप्स के साथ हम लोग ने वहाँ पे ज्वाइन किए, एप्लीकेशन के साथ हम लोग ने साइन अप किया एंड साथ ही साथ हमने एक वही होटल भी अपने बगल में ही खोल दिया। उस होटल की मदद से हमने 3 होटल और खोले एंड उसके मदद से हमने 5 रेस्टोरेंट खोले और उसके बाद जाके टोटली हमारा बैंक बैलेंस जो है वो करोड़ों में चला गया। और रेस्टोरेंट में ना हमारा जो मेन होटल था मैंने उसे इतना तगड़ा तरक्की दी एंड उसको अंदर का सोने के रूम्स बना दिए। हाँ, उसके अंदर सोने के रूम है। चलो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ अभी चल के, लेकिन इससे पहले यार यहाँ ट्रैफिक लाइट किसने लगाई है भाई? मेरे को बहुत ज़्यादा नफरत है ट्रैफिक लाइट से। खैर मैं रुकना तो नहीं चाहता, कोई चलान से मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन पालन करना चाहिए इन सब ट्रैफिकों का। और गाइस मैंने 4 साल पहले तुमसे एक बात पूछी थी कि तुम्हें शिनचैन ज़्यादा अच्छा लगता है या मैं ज़्यादा अच्छा लगता हूँ, पर तुमने अभी तक उसका रिप्लाई नहीं दिया। तो ज़रा कमेंट में रिप्लाई तो दे दो, और अगर मैं ज़्यादा अच्छा लगता हूँ तो मेरे लिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और शिनचैन अच्छा लगता है तो उसके लिए वीडियो को लाइक कर दो। चलो देखते हैं किसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। खैर मेरी रॉल्स रॉयस में ना अभी तेल ख़त्म हो चुका है, तो मैं चल के इसके अंदर तेल भरवा लेता हूँ। बस आ गया शिनचैन। हाँ। सो गया क्या? अरे नहीं नहीं, फोन चला रहा था। तो फोन ही चलाता रहे, खैर गाड़ी में तेल भरवा दे। कितने का? अरे 20-25 हज़ार का भरवा दे। खैर मुझे अभी एक कॉल आया, पता नहीं किसका है, अननोन नंबर से। ये है कौन? उठा नहीं रही है, पता नहीं कौन है। खैर चलते हैं, तो अभी चलते हैं होटल, दिखाता हूँ मैं तुम लोग को कि क्या क्या हमने पूरे होटल में अपने बदलाव किए हैं और कितने लोग आ रखे हैं वहाँ पे। अरे तूने कुछ करवाया है क्या शिनचैन? अरे नहीं, ये मेरा नहीं है कुछ भी। अरे ये इतने सारे गाड़ियाँ रेंज रोवर्स भाई, होटल में आग लग रखी है। अरे ये लोग कौन है? हट जा ओए बे बहरे, हट जा, सुनाई नहीं दे रहा क्या भाई? ये कैसा बंदा है भाई, सुनाई नहीं दे रहा क्या तेरे को? अरे सर मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। क्यों भाई, शादी करेगा क्या? अरे सर आप बदतमीज बड़े हैं। तो बदतमीज तो क्या, तू खड़ा है रास्ते में वो बता। सर ये जो प्रॉपर्टी है, हाँ हाँ, ये प्रॉपर्टी आपकी है? हाँ मेरी है। आपकी नहीं, ये बबलू गैंगस्टर की है। हैं? हाँ। बबलू गैंगस्टर ये कौन है? अरे बम्बीटा। अच्छा बम्बीटा, बम्बीटा गैंगस्टर का तो नाम मैंने बहुत सुना है। हाँ अब आप जाके उनसे बात कर लीजिए इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड। लेकिन ये प्रॉपर्टी तो मैंने खुद खरीदी थी 4 साल पहले। कितने में खरीदी थी? 50। अरे इस पे केस चल रहा था। क्या? हाँ बबलू गैंगस्टर का प्रॉपर्टी है ये। पहले तो तू पान थूक के बात कर। आप जाइए उनसे बात करिए, मैंने आपकी मीटिंग फिक्स कर दी है 3 बजे की। अच्छा तो पता नहीं, बम्बीटा गैंगस्टर भाई बहुत बड़ी पहुंच है भाई, वो बहुत बड़ी पहुंच है। जैसे अगर मैं 1 रुपये कमाता हूँ ना, तो उसके बदले वो 1000 रुपये कमाता है, वो इतनी बड़ी पहुंच है। यानी अगर मैं 1 करोड़ कमाता हूँ तो वो 1000 करोड़ कमाता है। अब तुम सोचो कि वो कितनी बड़ी पहुंच है। अरे क्या हुआ फ्रैंकलिन? अरे ये कुछ होटल का झोल है यार, हम शायद कोशिश करते कि बम्बीटा गैंगस्टर को थोड़े पैसे दे देते हैं, या तो हमारे पास बहुत पैसे हैं। खैर यहाँ पे आ चुका हूँ और यहीं पे है शायद बम्बीटा गैंगस्टर। हाँ अभी तू मेरे को गैंगस्टर्स के पास को लेकर आया? अबे तू पार्टनर है कि नहीं मेरा? अरे हूँ तो। अरे कितने सारे लोग हैं भाई? बड़ा गैंगस्टर है, मजाक थोड़े। खैर अभी ज़्यादा मत बोलना, आ जा। वो बैठा बम्बीटा गैंगस्टर, बाप रे बाप, इससे तो मुझे डर लग रहा है। हेलो सर। ओए कैसा है यार तू, तेरा नाम क्या था? फ्रैंकलिन सर। अरे फ्रैंकलिन, तूने मेरे होटल पे कब्जा करके रखा है क्या? सर मेरे को प्रॉपर्टी मिली थी 50 में। अरे वो सब छोड़, ये जो होटल है वो तुझे पता है मेरा है? सर ये पता नहीं था ना मेरे को। अरे इस पे केस चल रहा था और अभी 4 साल बाद केस बंद हुआ है, तूने उसे अपना धंधा बना लिया। खैर मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, तू अभी तक। अरे ये क्या कर रहे हो भाई? रुक, ये क्या कर रहा है? तो मैंने सही सुना था, इसे बीच बीच में दौरे पड़ते रहते हैं बोलते बोलते। इसने इस पे 7 रिलोड निकाल दी। खैर हम लोग कहाँ थे, ये जो होटल है वो मेरा है, अब तू चला इसको, लेकिन सारा प्रॉफिट मेरे को लाके देगा। सर लेकिन
मैं आपको पैसे दे रहा हूँ ना इस होटल के। वो सब मुझे नहीं सुनना, तू अपना डिसीजन मुझे थोड़ी देर तक बता दे, यानी शाम तक। मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं करूंगा। लेकिन सर ये होटल तो अभी मेरी रोजी रोटी है। अबे ये होटल तेरी थी, पहले से ही मेरी है। अच्छा सर मैं आपको शाम तक बताता हूँ, चल फूट ले आते। तो भाई बम्बीटा गैंगस्टर तो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है, और उसने मुझे बोला है कि ये होटल मैं उसके लिए चला हूँ, और वो बोल रहा है कि मैं सारा पैसा उसको ही दे दूँ। भाई ऐसा बोल देता कि भाई मेरे को थोड़ा सा हिस्सा दे दे उसमें से, लेकिन वो कह रहा है सारा पैसा मेरे को दे दूँ। भाई ये कौन सी दादागिरी है। खैर भाई वो बहुत बड़ा गैंगस्टर है, खैर अभी मेरे को इसमें सोच विचार बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। शिनचैन भाई तूने सुना ना सब? हाँ सुना, तू फैसला ले। तो मैंने बहुत सोचा, पिछले 1.5 घंटे से मैं सोच ही रहा हूँ, और अभी 5 मिनट बताया, मेरे को उसका जवाब देना ही पड़ेगा। तो क्या सोचा तूने? भाई बहुत मेहनत से ये होटल खोला है, ऐसे ही थोड़े दे देंगे किसी को भी। अरे वाह तू तो कमाल का निकला यार। मैं कमाल का ही हूँ। खैर अभी मैं कॉल कर रहा हूँ बम्बीटा गैंगस्टर के पर्सनल असिस्टेंट को, और उसको मैं सारी सीन बता देता हूँ कि मुझे होटल नहीं देना तुम लोग को, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो कल तो मैंने बम्बीटा गैंगस्टर को, ये लोग कौन है भाई, क्या चाहिए ब्रो, ये उंगली क्यों दिखा रहा है, अबे क्या चाहिए तेरे को, क्या चाहिए, अभी उतरूं क्या गाड़ी से, अभी रगड़ दूंगा यहीं पे। अरे अरे गन निकाल ली इसने तो भाई, अरे गाड़ी डूब गई। वो तो मेरे शीशे बुलेट प्रूफ है, इसलिए मैं अभी बचा हूँ। शायद ये लोग बम्बीटा गैंगस्टर के लोग हैं। भाई बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है, बम्बीटा गैंगस्टर ने मेरे पीछे बंदे भेज दिए हैं। खैर शायद 4 ही बंदे हैं, तो मेरे पास भी एक पिस्टल है, मैं इन्हें संभालने की कोशिश करता हूँ। अरे ये 4 से 40 गाड़ियाँ कैसे हो गई भाई, तो मुझे लगा 4 बंदे हैं, लेकिन 80 बंदे बम्बीटा गैंगस्टर ने मेरे पीछे भेजे हैं। और देखो गाड़ी कैसे लाइन से आ रही है, लगता है अब हमारा खेल यहीं पे ख़त्म। मुझे बम्बीटा गैंगस्टर को हाँ बोल देना चाहिए था, जान बचती तभी ना मैं कुछ करता। मैंने लेकिन बहुत मेहनत भी की है, मैं बम्बीटा गैंगस्टर से मुकर भी नहीं सकता, अगर मैंने उसे कुछ बोला तो मुझे मरवा दे। अरे गाड़ी क्यों ठुक रही है। खैर मुझे तो अभी टैकल करना ही पड़ेगा इन लोग को, क्योंकि ये लोग सर यहाँ मेरे ऊपर गोलियाँ चलाए जा रहे हैं। एक तो गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। मरो 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 मरो, मेरी रॉल्स रॉयस ने मुझे बचा रखा है उसके प्रोटेक्टर ने, वरना तो अभी तक मेरा गेम प्ले हो गया होता यहीं पे। बम्बीटा गैंगस्टर से गलत पंगा ले लिया यार मैंने। लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं भी अब छोटी मोटी चीज नहीं हूँ, उसने मेरे पीछे आदमी कैसे भिजवाए। तो मेरे पास एक बहुत तगड़ा आइडिया आया है, अब बम्बीटा गैंगस्टर तो ऐसे नहीं मानेगा। मैं आ गया मिलिट्री बेस, जिसमें मिलिट्री भी इन पे अटैक करेगा, और मुझे चुपचाप से वो टैंक लेना पड़ेगा, वरना मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। एक को मारा एंड फटफट में टैंक में जाके बैठ चुका। अब आओ ना, अब आओ मार के दिखाओ कौन मारता है, हाँ अब मार के दिखाओ। तो और 50 गाड़ियाँ बम्बीटा गैंगस्टर ने भेज दी है, लेकिन मेरे टैंक के सामने ये बिल्कुल भी नहीं टिकने वाली। हाँ कौन है गैंगस्टर, कहाँ का गैंगस्टर, भाई मैं हूँ यहाँ का असली गैंगस्टर, अब फिड़के दिखाओ, अब मारो ना, अब आओ ना, कौन था बम्बीटा गैंगस्टर, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसको कॉल लगाता, हेलो ये तो बस शुरुआत